हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ ए गोपी ब्रीडिंग फार्म। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये एक गोपी ब्रीडिंग फार्म है जो कि हम आज एक भाई के पास आए थे। उनके पास कुछ गोपी है जो जो कि आपको मैंने दिखाने वाला हूँ। इस टोटल स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे गप्पी जो सब्सक्राइबर्स है, जो गप्पी रखने वाले जो दोस्त है, जो गप्पी हॉबिस्ट है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों कुछ ब्लैक गप्पी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इनके क्वालिटी आप थोड़ा देखिए किस तरह से इनका कॉलर है, और इसमें मेल फीमेल भी है। ओके, थोड़ा मैं फोकस करता हूँ। हाँ, ये देखिए, और इसमें बच्चे भी हैं दोस्तों। और पानी भी आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही क्लियर वाटर है। इसमें कोई भी अमोनिया का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमोनिया होगा तो मछलियों का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए भैया, दिखाते हैं हाथ में, बिल्कुल ही क्लियर वाटर है भैया। इसका जो अमोनिया, इसका किस तरह से आप करते हैं थोड़ा बताइए। वाटर चेंज करते हैं, फिल्टर को क्लियर करते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, तो भैया ने फिल्टर भी लगाया हुआ है सारी टैंक्स पे, आप देख सकते हैं वो फिल्टर लगाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए भैया, ये ब्रीड बताइए कौन सा ब्रीड है। एफ आर ब्लू ईयर दोस्तों, ये है एफ आर ब्लू ईयर। मेरे पास जो था फ्रेंड्स, आप पहले देखे होंगे कि एक एफ आर था, मतलब कि अल्बिनो फुल रेड था, और ये आप एक नया स्ट्रेन है दोस्तों। ये है अल्बिनो फुल रेड ब्लू ईयर। इनका ईयर आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लू कलर के हैं। टिक्के भाई उठे लो, नहीं मेल डा। तो दोस्तों, ये आप देखिए, मैं फोकस करता हूँ। इसका ईयर आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही ब्लू कलर का है, और बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये जब एक्वेरियम में आप सजाएंगे इनको, और ये प्लांटेड में बहुत ही सुंदर लगेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट टैंक को हम देखते हैं। भैया ये कौन सा है? एफर। ये भी दोस्तों एफर है, कॉलीफ्लावर का। तो दोस्तों ये देखिए, इनके कॉलर देखिए दोस्तों, थोड़ा भैया और उठाइए ऊपर इनको हाथ में। और इसका जो इसमें जो फीमेल है दोस्तों, ये आप देखिए, ये प्रेग्नेंट है। और इसका मेल देखिए दोस्तों, इनका जो डोर्सल फिन है और टेल है, कितना लंबा है, नॉर्मल गप्पी से कितना लंबा है आप ये देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी अगर ये गप्पीज लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको एक चीज़ दिखा देता हूं दोस्तों, यहां पे जो कुछ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि अगर कोई भी फीमेल बच्चा करेगा तो इसमें आ जाएगा, मतलब कि साइड में आ जाएगा, और इसमें पेरेंट्स पेयर जो है उसमें इस तरह से घूम फिरेंगे। भैया इसमें क्या है? इम्पोर्टेड गप्पी है भाई, थोड़ा सा इम्पोर्टेड ब्लैक कलर का। ब्लैक का जो पहले जो देखा वो थोड़ा नॉर्मल ब्लैक था, और ये थोड़ा मतलब कि डीप कलर का, मतलब हाई क्वालिटी ब्लैक। तो दोस्तों ये आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेड कलर का जेट ब्लैक है, जेट ब्लैक गप्पी। नहीं, वो जेट ब्लैक था, ये पूरा प्योर ब्लैक है। अच्छा, ये प्योर ब्लैक है, वो था फ्रेंड्स जेट ब्लैक, और ये देखिए ये प्योर ब्लैक है। देखिए इनका कॉलर, कौन सी किसी भी जगह पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं, मार्किंग थाईलैंड ब्रीड है। अच्छा, तो ये थाईलैंड का ब्रीड है दोस्तों, और इनका मार्किंग आप देखिए, कहीं से भी इनके मार्किंग आप वाइट नहीं मिलेगा आपको, प्योर ब्लैक है, मतलब कि टॉप टू बॉटम। हाँ, पूरा हेड से पूरा टेल तक पूरा ही ब्लैक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और इनके जो ब्लड लाइन है दोस्तों, ये पूरा ही बहुत ही अच्छा ब्लड लाइन है, और थाईलैंड का ब्लड लाइन है। और आप इनको अगर ब्रीड करेंगे दोस्तों, इनका रिजल्ट ही बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, भैया फीमेल होगा इसमें। अच्छा, तो थोड़ा फीमेल दिखाइए। देखिए दोस्तों, इसमें फीमेल को भी थोड़ा देखिए। फीमेल भी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से, यहाँ पे पूरा ही ब्लैक कलर का है फीमेल। नॉर्मल जेट ब्लैक में आप थोड़ा इसमें कलर थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको,
और इसमें जो फीमेल है दोस्तों आप देखिए बिल्कुल ही ब्लैक कलर का है, पूरा टॉप टू बॉटम पूरा ही ब्लैक कलर का है दोस्तों। देखिए बहुत ही क्वालिटेड है दोस्तों। अगर आप कोई भी दोस्तों अगर लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बहुत ही दोस्तों मुझे पूछ रहे थे कि भैया गप्पी लाइक नहीं, गप्पी लाइक नहीं मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं है तो इसलिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ। और हमारे पास एक भाई थे जो कि वो भी मेरे साथ गप्पी का ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करने वाले थे और उनका भी अभी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, ये आप देख सकते हैं ये। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाने वाला है और एक स्ट्रेन और एक गप्पी स्ट्रेन। भैया ये क्या है, ये कौन सा ब्राजीलियन है? रेड दोस्तों, ये ब्राजीलियन रेड है। मैं आपको दिखाता हूँ एक को हाथ में पकड़ के। देखिए दोस्तों इनका कलर देखिए, आपको ब्राजीलियन रेड आप गूगल पे भी मार के देख सकते हैं सर्च करके ब्राजीलियन रेड। देखिए इनके कलर, देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे। भैया ये सेल के लिए है, अवेलेबल तो है ना? तो दोस्तों ये सेल के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप कोई भी दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी कलर का है दोस्तों, ये आप देखिए। देखिए दोस्तों इनके कलर देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ग्लेज कर रहे हैं इनके कलर। और पानी देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ग्रीनिश वाटर भी है जो कि बिल्कुल ही सुइटेबल वाटर है गप्पी के लिए, गप्पी के ब्रीडिंग के लिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नॉर्मल गप्पी है, देखिए ये नॉर्मल रेड है दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेड तो नहीं है मगर फिर भी बहुत ही अच्छी कलर के हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर कोई भी दोस्त हमारे लेना चाहते हैं गप्पी तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ डम्बोयर के बेबीज है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ डम्बोयर्स के बेबीज है। और दोस्तों भैया के पास और भी बहुत सारे गप्पी था जो कि सेल हो गया है, और भैया प्लांट्स वगैरह भी सेल करते हैं, तो अगर आप प्लांट्स भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल्टरेशन का कुछ अलग सिस्टम है, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा है मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले आप हम इसमें थोड़ा, भैया ये कौन सा है? जेब्रा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ जेब्रा है, ये कौन सा जेब्रा है भाई? ये ब्लू येलो मिक्स का है। यहाँ पे कुछ मिक्स जेब्रा है दोस्तों। ओके, ये तो गप्पी तो नहीं, ये जेब्रा है दोस्तों। ये आप में आप अगर लेना चाहते हैं तो भी ये सेल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। पानी देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही क्लियर वाटर है जो कि पूरा ही नीचे तक पूरा ही क्लियरली दिखता है ये। और यहाँ पे कुछ दोस्तों सोटेल है, लगे ना कि ये था। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सोटेल है और ये सोटेल आप शायद ही देखे होंगे। देखिए किस तरह से कितना साइज का है दोस्तों, देखिए पहले आप देखिए इसके इस तरह का सोटेल पहले आप लोग नहीं देखे होंगे। और एक को मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ, ये दोस्तों देखिए कितना बड़ा है, और हाँ 4 इंच के आसपास होंगे सारे के सारे। और फीमेल तो देखिए हेवी साइज का फीमेल है। और एक फीमेल को मैं दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल ही एक जियान साइज के बराबर है ये। और ये इनका ये जो कौन सा ब्रीड है भाई? ये कैलिको सोटेल है दोस्तों, कैलिको सोटेल। तो दोस्तों ये इसमें भी कुछ सेल के लिए है, सेल के लिए बहुत सारे सेटअप है भाई के, और नीचे भी कुछ सेटअप है, घर पे भी प्लांटेड वगैरह भी भाई के पास है प्लांटेड।
तो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ सोटल है, देखिए ये भी कॉलिको सोटल है, नहीं कुहा को, कुहा को, तो ये दोस्तों कुहा को सोटल है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा साइज है इनके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट पे बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों। एक तो लाइक आपको ठोकना ही ठोकना है। तो दोस्तों अगर आप मछलियाँ वगैरह लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मछलियाँ लेने के लिए मुझे कांटेक्ट किए थे, और मेरा सेटअप भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ अच्छे ब्रीड का है, अच्छे कलेक्शन का गपीज़ है, सोटेल है और जेब्रा, ब्लू जेब्रा और ग्रीन जेब्रा भी है। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।